आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। चुनाव निरस्त करने की यह घोषणा आज खुद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने की है। निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाएगी। इस वक्त की यह है बड़ी खबर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर, जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पूरी तरह से निरस्त करने की बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव निरस्त करने की यह घोषणा खुद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाएगी। बता दें कि चुनाव को निरस्त करने के इस बड़े फैसले को लेकर आयोजित बैठक में सचिव जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आयोग ने सोमवार को 3 बार बैठकें आयोजित की थी। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी। इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए यह फैसला टाल दिया गया था। फिलहाल आयोग आज कानूनी सलाह के बाद पंचायत चुनाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया को ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के इस बड़े फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कुछ दिनों के लिए टाल दिए गए हैं, और अब मध्य प्रदेश में अभी हाल में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। तो इस वक्त मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पूरी तरह से निरस्त करने की बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव निरस्त करने की यह घोषणा आज खुद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने कर दी है। निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि कानूनी राय लेने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। और आयोग ने यह भी कहा है कि जिन कैंडिडेट ने अब तक नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि बाकायदे वापस कर दी जाएगी।